मैं ही बेवकूफ़ बन गया, लालच में आ गया कि मैंने सोचा कि मेरी कुछ परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी। तो परेशानियों के हल होने के बजाय जो है और परेशानी बढ़ गई। मैंने किसी से उधार लेकर जो दिया था पैसा, जब मैंने बोला कि आपका ये सारा फ्रॉड है, मुझे यकीन नहीं है, तो फिर बोलने लगे कि मैं ऑफिस की वीडियो भेजूँगा, वो कोई मैनेजर है उसकी वीडियो भेजा उन्होंने, तो वो दो तीन वीडियो जो है मुझे व्हाट्सअप किया था। दूसरे नंबर से कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 12,000 रुपया और आप डालो तो फिर आपका लोन जो है अप्रूव होगा। 12,000 का और डिमांड किया, और डिमांड किया 12,000 का। ये हमारे साथ ये शख्स है, इनके साथ ये फ्रॉड का ये मामला सामने आया है। अब इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे क्या मामला है और पूरा तफसील से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सर ना किया, मेरा नाम मोहम्मद रजाक है जी। रजाक साहब किधर रहने उसे? मैं सुरनकोट में रहना। सुरनकोट कई जगह? सुरनकोट पमरोट। के मसला होया ये तुसें लोन ना कितना किया गया और कद ना है वाकई? ये आई तो तकरीबन 2-2.5 महीने पहले एक फेसबुक ने ऊपर एक ऐड आया सर धनी फाइनेंस ना, तो उस विच उन्होंने आखे कि इस तरह इन्हें एक आधार कार्ड पिन कार्ड लगेगा तो लोन दे जाने के देने हैं। मैं अप्लाई किया लोन। कितने लोन ना किया सर? मैं 10 लाख ना किसी, मैं 10 लाख ना अप्लाई किया। 10 लाख ना तुमने अप्लाई किया? तो फिर वो आने लगे जी, फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया जी, कॉल की, कॉल करके आखन लगा बंदा कि तुम्हें जो है टैक्स भरना पड़ेगा 2150 रुपया। अच्छा, 2100 का कहा गया आपको? 2150। तो फिर मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, 1500 रुपये मैंने मेरे पास थे, तो वो बोलने कोई बात नहीं डालो आप 1500 डाला, तो बोलने लगे 650 और डालो तो फिर ये जो है अप्रूवल होगा। डाला तो फिर उसके बाद जो है वो बोलने लगे नहीं ये अलग अलग जिन्हें हुआ, दो किस्तों में हुआ है, एक ही बार जो है इकट्ठा। आपको इकट्ठे डालने चाहिए थे, आपने अलग अलग थोड़े थोड़े करके डाले, ऐसे नहीं होगा, आपको एक ही रकम में डालना पड़ेगा। एक ही रकम डालनी पड़ेगी 2150। तो आज मैंने फिर डाला, आज दोबारा से आपने फिर पैसे डाले? डाल दिए। कितने डाले आपने? 2150 फिर डाल दिया। तो अभी जो है वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है बंदा, तो लोन शोन तो कुछ नहीं है, फ्रॉड ही था। कॉल दोबारा एक बार लगाना। कॉल कर रही है ये आप सुन सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने दोबारा कॉल लगाई और वो व्यक्ति कॉल नहीं उठा रहा। दूसरे नंबर से कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 12,000 रुपया और आप डालो तो फिर आपका लोन जो है अप्रूव होगा। 12,000 का और डिमांड किया? और डिमांड किया 12,000 का। जब मैंने बोला कि आपका ये सारा फ्रॉड है, मुझे यकीन नहीं है, तो फिर बोलने लगे कि मैं ऑफिस की वीडियो भेजूँगा, वो कोई मैनेजर है उसकी वीडियो भेजा उन्होंने, तो वो दो तीन वीडियो जो है मुझे व्हाट्सअप किया था उन्होंने। नाजिक्राम, दो तीन वीडियोस जो है जो इनको भेजी गई, दिखाया गया कि ये हमारा ऑफिस है, आप यकीन कर सकते हैं कौन है और आपकी जो लोन है वो अप्रूव होगा और आपने इतनी रकम डालनी है, उधार लिए किसी से। अच्छा नाजिक्राम, ये समझ सकते हैं कि एक गरीब शख्स को लूटा गया है, उधार लेके इनके द्वारा उस शख्स के अकाउंट में डाले गए पैसे कि शायद मुझे कुछ परेशानियां थी, मेरी परेशानियों का हल हो सकेगा, जब मुझे लोन मिल जाएगा तो मैंने अपनी कुछ जो मसले मसाइल हैं उनसे छुटकारा पाना है। टोटल आपने पैसे डाले कितने हो आज तक उनको? मैंने अभी तक जो है 4,300 रुपये डाला है उनको। 4,300 रुपये अभी आपने डाल दिया है? डाल दिया। और इसके अलावा आपसे और डिमांड की कि आपने 12,000 और डालना है? बोल रहे हैं कि 12,000 और डलेगा तो फिर आपका लोन जो है अप्रूव होगा। तो अभी कॉल नहीं उठा रहा है, इससे पहले जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई तो उस टाइम उसने क्या कहा और आपके आपने क्या कहा? यही 12,000 का बोला। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आप वहाँ से मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालो तो मैं उसी में से आपको रिटर्न करूँगा। तो अभी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैं ही बेवकूफ़ बन गया, लालच में आ गया कि मैंने सोचा कि मेरी कुछ परेशानियाँ हैं वो हल हो जाएंगी, तो परेशानियों के हल होने के बजाय जो है और परेशानी बढ़ गई। मैंने किसी से उधार लेकर जो दिया था पैसा। करते क्या हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवर है जी। लालच की वजह से आप फंस गए इसमें? जी सर। तो अभी आपने आधार कार्ड पैन कार्ड वो सारा उनको दे दिया? हाँ, आधार कार्ड मांगा उन्होंने, पैन कार्ड मांगा और बैंक की डिटेल मांगी थी, बैंक अकाउंट डिटेल, तो वो मैंने दिया हुआ उनको। तो अभी आप ये चाहते हैं कि उस शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए? ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए।
ताकि मेरी तरह और कोई ना उसके जाल में फंस जाए। नाज़िर इकराम, सावधान रहें, सतर्क रहें। देख सकते हैं हमारे साथ ये व्यक्ति सुरनकोट पुंछ डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है, और जिस तरह से इनको लूटा गया धनी ऐप के ज़रिए, फेसबुक ये जब चला रहे थे, उसको यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ऐड आया धनी फाइनेंस के द्वारा। ये कहा गया कि आपको लोन मिलेगा 10 लाख का। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड का कहा गया कि आप ये भेजें और बैंक डिटेल भेजें। इन्होंने जब बैंक डिटेल पूरी भेजी और उसके बाद उनके द्वारा ये कहा गया कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि टैक्स पे करना है हमने, तो जब टैक्स के नाम पे इनसे ये कहा गया कि आपने 2150 जो पहली रकम है वो आपने जमा करवानी है, टैक्स जो कटेगा वो रकम। उन्होंने 1500 किसी से उधार लेके उनको दिए, और उसके बाद इनको फिर दोबारा कहा गया कि आपने जो पैसे हमें दिए थे वो पैसे दो किश्तों में आपने पैसे डाले, आपने एक ही किश्त में पैसे डालने थे और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता 10 लाख। और इस उसके बाद जब इन्होंने दोबारा कॉन्टैक्ट किया और उसने कहा कि आप 2150 दोबारा डालें और आपके अकाउंट में 5 मिनट के अंदर आपका पैसा जो है आपको मिल जाएगा, इन्होंने आज के दिन ही 2150 किसी से उधार लेकर दोबारा उस अकाउंट में डाले। और उसके बाद कॉल की, आधा घंटा वेट किया, एक घंटा वेट किया, और उसके बाद कॉल की और उससे पूछा गया कि पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। और उसके द्वारा, उस शख्स के द्वारा, एक फ्रॉडस्टर, उसके द्वारा ये कहा गया कि आपने 12,000 और डालना है और उसके बाद जितना पैसा है आपका 10 लाख का वो आपके अकाउंट में तुरंत आपको मिल जाएगा। अब ये शख्स आप देख रहे हैं गरीब इंसान है, सुरनकोट से इनका ताल्लुक़ है, ड्राइवर हैं, लालच की वजह से फंस चुके हैं इस जाल में, और इसके इनको लूटा गया। और इनके द्वारा ये कहा गया कि मैंने इससे पहले 4,000 मैंने जमा करवा दिया। जब इनकी मुलाकात हमसे हुई और हम इन्होंने हमें पूरी डिटेल में बताया, और हमने भी सोचा कि आगे ये हाईलाइट की चीज़ की जाए, सोचता कि कई लोग ऐसे हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं और वो भी अवेयर हो सकें कि किस तरह से गरीब शख्स को लूटा गया। और हमें ये उम्मीद है कि इस स्टोरी को देखने के बाद SSP पुंछ एक्शन ज़रूर करेंगे और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ऐसी अगर कोई भी डिटेल मांगे या लोन का कुछ कहा जाए तो आप इस जाल में ना फंसें, क्योंकि ये एक फ्रॉड है और फ्रॉडस्टर्स के द्वारा ये किया जाता है, और ऐसे जो लालच देते हैं इन लालच में आप ना फंसें। छोटी सी पेशकश थी, आप जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।